देखते हैं फलन में क्या कह रहा है कि यदि E और F घटाएं इस प्रकार है कि यहाँ पर E की प्रायिकता दिया हुआ है 1/4, F की प्रायिकता दिया हुआ है 1/2, और यहाँ दिया हुआ है E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता 1/8, तो पहले में क्या कह रहा है कि हमें E या F की प्रायिकता निकालनी, यानी कहने का मतलब कि E यूनियन F की प्रायिकता निकालनी। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, E की प्रायिकता प्लस में F की प्रायिकता माइनस E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। चलिए अब यहाँ पे मानों को रख देते हैं, 1/4 प्लस 1/2 माइनस का 1/8, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि पी प्रायिकता निकालने हैं ई नॉट और बी नॉट की, एफ नॉट की, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा कि हमें प्रायिकता निकालनी है ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट की। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट यूनियन एफ नॉट, ऐसे। तो इसको हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर हो जाता है, 1 माइनस प्रायिकता किसके, ई यूनियन एफ की, ठीक है। 1 माइनस इसका 5/8, एलसीएम घटा देंगे 3/8, 3/8 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6।